today we are going to learn about the fossil fuels fuel means what fuels we need to run the vehicles like petrol diesel fuel we need to cook uh, like lpg gas is an example of fuel wood kerosene petroleum they are what fuels and right? so for cooking food we need what fuels right? so like the coal wood cooking gas Petrol, diesel, kerosene are called fuels. And from where do we get this coal and wood? Wood we get from the plants, cooking gas, and coal and petrol we are getting from deep of earth. So, due to the change long ago in the earth, plant and trees got buried and slowly and slowly layers of soil were formed on them that is so for uh, preparation of the petrol coal and lpg gas it takes too much time that is the uh, long uh, that is we can say uh, long days ago long years ago uh, when the plant and trees and the uh, living things living things got buried

बहुत आसानी से नहीं मिलता है ना ऐसा तो नहीं कि कल कल बन जा रहा है और आज उसको हम यूज करें ऐसा होता है क्या नहीं ना हम सबको पता है कि इसको बनने में बहुत 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 लंबा टाइम लगता है कई सालों के बाद आपका जो फ्यूल है वो प्रिपेयर होता है तो कैसे प्रिपेयर होता है ठीक है जब प्लांट ट्रीज है लिविंग थिंग्स है ह्यूमन बींग्स है एनिमल्स है ये सब बहुत डीप अर्थ के अंदर दब जाते हैं उसके ऊपर सॉइल जमा हो जाती है तो जब सॉइल आ जाती है तो वहां पे आपके ऑक्सीजन नहीं रहता ऑक्सीजन नहीं रहता है तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ये चीजें क्या होती है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं आपके फ्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और ये धीरे धीरे क्या होते हैं जैसे रिमेनिंग पार्ट समझ जो हमारे बोन्स है ठीक है हमारे बोन्स हैं या प्लांट्स है तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट है जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं सॉइल में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं वो धीरे धीरे आपके कोल में कन्वर्ट होते हैं फिर जब हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें से गैस रिलीज होती है वो, वो जो गैस है फिर वो आपके एलपीजी गैस में और आपके जो अदर फ्यूल है डीजल और पेट्रोल इसमें कन्वर्ट होता है ठीक है सो फॉर्मेशन ऑफ द कोल इन दिस वे टेक थाउजेंड्स ऑफ इय थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं किसके लिए फ्यूल प्रिपरेशन के लिए इन द सेम वे द बरीड रिमेन ऑफ डेड एनिमल चेंज टू पेट्रोलियम

Inside the earth, from deep inside the earth, that we get. वी गेट अब अब हिंदी में अगर आप बोलोगे तो आप इसको समझ लो कि अवशेष अवशेष मतलब क्या होता है जो हम बिल्कुल अर्थ की जो हम क्या करते हैं डिगिंग करते हैं खुदाई करते हैं उसके अंदर से जो चीजें हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं फॉसिल बोलते हैं ना तो वैसे ही जब हम अर्थ को बहुत ज्यादा डिग करते हैं मतलब डिग करते, करते जाते करते जाते तो बहुत डीप इन अर्थ से हमें क्या मिलता है फ्यूल मिलता है और वो चीज किससे बना होता है आपके प्लांट ट्रीज और एनिमल के रिमेन है है ना दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फॉर एग्जाम्पल समझ लो डायनासोर जब डायनासोर का ही था जब डायनासोर थे खूब बड़े बड़े प्लांट्स थे तब जब ये आपका जो, आपका जो जो अर्थ है जब ये मतलब ये सब चीजें जब डिस्ट्रॉय हुई तो बहुत अंदर अर्थ के बहुत अंदर जाके क्या हो गई सारी चीजें आपके दब गई है ना और उसके ऊपर क्या हो गई फिर से सॉइल आ गई तो ये सब चीजें किस में कन्वर्ट हुई आपके फ्यूल में कन्वर्ट हो गई सो फॉसिल इज वॉट वर्ड फॉसिल वर्ड इज यूज फॉर डेड एनिमल्स एंड ट्रीज आर प्रिजर्व इन नेचर फॉर थाउजेंस है ना तो फॉसिलेड एनिमल्स डेड एनिमल्स के रिमेन है एंड ट्रीज जो आपके प्रिजर्व है कहा नेचर नेचर ने प्रिजर्व किया है कहाप अर्थ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक तो वो चीज क्या कहलाती है फॉसिल पेट्रोलियम इज फाउंड पेट्रोलियम एंड बंपिंग इट आउट थ्रू पाइप है ना तो आपको पता होगा लाइक विशाखापटनम है तो आपके जो सीज uh, ओशन है उसमें हमने मर्चेंट नेवी सुना है ना, मर्चेंट नेवी तो वो उनका काम क्या होता है वो क्या करते हैं आपके पाइप्स uh, uh, बहुत अंदर अर्थ में क्या इंसर्ट करते हैं पाइप्स डिगिंग एंड पंपिंग के थ्रू वो क्या करते हैं पाइप्स के थ्रू पेट्रोलियम पेट्रोल और फ्यूल्स निकालते हैं द पेट्रोलियम पंप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू गेट एनर्जी सो दिस पेट्रोलियम इज टू द रिफाइनरी वेयर इट इज चेंज्ड एंड प्योरिफाइड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट as petrol diesel kerosene and petroleum gas so uh, the petroleum is directly we cannot use the pet fuel uh, it should be refined and for that it's sent to uh, where uh, it's sent to uh, purify it's sent to purify to get useful product from the petroleum diesel and kerosene and petroleum gas uh, from the well where we get petroleum natural gas is also obtained that means जब आप पेट्रोल निकालते हैं पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल के साथ साथ तो और क्या मिलता है आपको नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज मेनली मिथेन गैस विच कैन बर्न इजीली टू प्रोवाइड हीट है ना हम लोग घर में जो गैस यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या होती है आपकी मिथेन गैस होती है दिस गैस कैन बी कम्प्रेस्ड एंड यूज फॉर ड्राइविंग द व्हीकल्स यही गैस सी के फॉर्म में किस में अप्लाई होती है आपके व्हीकल्स वैन में बसेस में सिटी बस में हो गया आपके स्कूल वैन में आपके सी गैस अप्लाई होती है दिस इज कॉल्ड सीएनजी कंप्रेस गैस इन समेनजी व्हीकल जी प्रोड्यूस वेरी कंपेयर टू अदर व्हीकल जैसा पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से जितना आपका स्मोक धुआं निकलता है पोल्यूशन एयर पॉल्यूशन होता है सीएन जी से एयर पॉल्यूशन नहीं होता उतना नहीं होता सो वी ऑल नो अबाउट द कुकिंग गैस यूज इन

एलपीजी गैस में फायर बहुत जल्दी कैच करता है ऑर्डरलेस मतलब इसमें स्मेल नहीं होती होती है सो फॉर सेफ्टी पर्पज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस इज एडेड देखो आप बोलोगे कि मैडम बोल रहे कि एलपीजी गैस में स्मेल नहीं होती है लेकिन जब गैस लीक होती है तो कितनी बदबू आती है ना सो एल पी जी इज एक्चुअली ऑर्डरलेस गैस उसमें कोई स्मेल नहीं होती है लेकिन एलपी क्या होती है बहुत क्या है इनफ्लेमेबल uh, है मतलब बहुत जल्दी फायर कैच होता है तो अगर इसमें स्मेल नहीं होगी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हो रही है ना सो फॉर सेफ्टी पर्पज वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस इज एडिड टू दिस सो दैट इफ देयर इज एनी लीकेज इट कैन बी आईडेंटिफाइड है ना इन विलेज काउट केक आर यूज एज फ्यूज लाइक इन विलेजेस काउडक्स जितना भी गोबर होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं टू मेक फ्यूल काउडक भी यूज इन एनी अदर फॉर्म टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट सो इन मैनी एरियाज काउडक इज यूज टू गेट एनर्जी यस है ना कैन काउडक बी यूज इन एनी अदर वे अदर फॉर्म टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट यस इन मेनी एरियाज उडग इज यूज टू गेट एनर्जी है यहाँ पे इसका आप फिगर देखो ठीक है फिगर देखो यहाँ पे क्या करते हैं ये आपका क्या है टैंक इस टैंक में क्या करते हैं काउडग लेते हैं जितना भी गोबर होता है यहाँ पे इस टैंक में लेते हैं ठीक है देखा ये टैंक में लेते हैं यहाँ पे ये यह जो आपका टैंक है यहाँ पे इसको हाईलाइट करके दिखाती हूं मैं देखो ये जो टैंक है यहाँ पर पे क्या करते हैं ये टैंक में यहाँ पे क्या करते हैं काउडक कलेक्ट करते हैं ठीक है उसमें क्या ऐड करते हैं वाटर ऐड करते हैं यहाँ से क्या ऐड करते हैं यहाँ से उसमें वाटर ऐड करते हैं ठीक इसको लिक्विफाइड करते हैं एकदम लिक्विड लिक्विड कर देते लिक्विड भी लिक्व चेंज करते हैं फिर ये काउडग जो है यहाँ से फ्लो होते 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 आपके यहाँ पे आता है इनकमिंग पाइप ये जो आपका पाइप है ना सो थ्रू दिस पाइप द लिक्विड काउडग कम्स इन टू दायोग प्लांट ये आपका कवर्ड पिट यहाँ पे आता है ठीक है अब यहाँ से आपका कवर्ड पिट में आ गया उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे ये यह, इसमें एक, एक पिट होता है आपका उसको हम कवर कर देते हैं पिट मतलब एक गड्ढे जैसे समझ लो टैंक जैसा होता है एक टैंक होता है जिसके अंदर आपका ये जो काउडक है ना जिसमें वाटर मिक्स करते हैं लिक्विड काउड यहाँ पे आता है टैंक में और टैंक में क्या करते हैं उसको ऊपर से कवर कर देते हैं है ना इसलिए कवर करते हैं कि इन ऑफ ऑक्सीजन दिस काउकोज एंड इट प्रोड्यूस वॉट गैस देखो फिर से बता रहे यहाँ पे uh, क्या किए काउडर लिए है ना क्या मिक्स किया उसमें वाटर इसको लिक्विफाइड में पूरा चेंज कर दिए लिक्विड में चेंज कर दिए फिर ये काउडक पाइप्स के थ्रू कहाँ पे आए आपके टैंक में आया इस टैंक में ये टैंक जो है, है ना? So sunlight, हो रही है और ये गैस फिर एज अस आपको मिलती है ठीक है और इसमें से जो रिमेनिंग आउट पाइप मतलब ये जो गैस बन रही है यहाँ से गैस बन रही है और ये गैस यहाँ से आपके बाहर जाएगी ठीक है ये गैस आपके यहाँ से बाहर जाएगी है ना

In absence of air, it reduced to form the methane gas, carbon dioxide and some other gases. This mixture of gas is known as biogas. The produced gas is collected in the dome covering the pit and taken out through the pipe attached to the dome. So, uh, the, what are the advantages of biogas? Like LPG. Like the uh, LPG, it also used as a cooking gas. theek hai To produce lighting, like for the street light, for the house light, and its use lessens the use of wood. Biogas के uh, use से क्या हो रहा है कि जो wood का use है वो क्या हो गया आपका less हो गया है. After removal of gas, the left of material is used as manure. Gas निकलने के बाद जो बचता है

that we can recreate or regenerate it like the coal coal is what uh, coal is fossil fuel okay from the deep earth we get the coal and it is the remaining part of the animal trees and plants and uh, for the preparation of coal it take much uh, thousands of years so uh, after some time when the coal will finished it is not available for the use wind energy wind energy that we can regenerate okay so it will not extinct ियम कैन बी सेट टू बी नॉन रूनबल सोर्सिस बिकॉज वुड देखो वुड के प्लांट्स को भी लगाते हैं हम उसको बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है है ना लगते हैं ना कुछ काफी इयर्स लग जाते हैं प्लांट को बड़ा होने में तो वुड कोल पेट्रोलियम दे सेट टू बी नॉन रिन्यूएबल वी कैन नॉट सर्टेनली रिक्रिएट दिस वन and uh, and energy sources as wind water are called renewable sources and uh, wind water are renewable sources that we can regenerate or recreate renewable sources are present in plenty yeah just say water wind and uh, their use doesn't harm the environment but we cannot depend on the non-renewable sources of energy in distinct future to obtain energy that means we cannot depend on पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस वोडर खुद मोर ओवर देर यूज आर हार्मुल टू द एनवायरमेंट ऑल्सो बिकॉज सी पेट्रोल एंड डीजल वेन द वेकल रनिंग पॉल्यूट दॉट एयर दे क्रिएट द एयर पोल्यूशन वॉटर पॉल्यूशन सो देअर फॉर वी मस्ट फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिफोर दीज सोर्स आर कंप्लीटली एग्जॉस्ट है ना तो ये सब खत्म होने के पहले हमें कुछ एक और सोर्स ढूंढ लेना चाहिए

एंडर इज प्लेस्ड ऑन द लीड देखो इसके टॉप में क्या लगा होता है लीड में मिरर विच कैन बी एडजस्टेड टू फोकस दू दाइड ऑफ द बॉक्स करते हैं कि सनरेज इस मैग्जिम सन रेज इस पे पड़े द इनर वॉल ऑफ द बॉक्स एब्जॉर्व ही इनर वॉल होता है आपका बॉक्स का ये क्या करते हैं हीट को एब्सॉर्व करता है वो गर्म होता है टू स्टॉप दीट टू स्के बॉक्स अनादर कवर ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स देखो ये बॉक्स जब हीट आएगी सन की तो गर्म होगा अब इसमें से हीट एनर्जी बाहर मत निकली इसे यहाँ पे एक और क्या होता है ग्लास की कवरिंग होती है ये आपकी ग्लास की कवरिंग होती है ठीक है सो इन साइड द बॉक्स दे आर स्मॉल मेटल बॉक्सेज अब ये देखो तो एक बिग बॉक्स के अंदर क्या होता है स्मॉल कंटेनर्स या फिर स्मॉल मेटल बॉक्सेस होते हैं फूड रखने के लिए ठीक है और ये भी क्या होते हैं आपके ब्लैक पेंटेड होते हैं द फूड आइटम कैन बी प्लेस्ड इन दीज स्मॉल बॉक्सेस टर दिस वन इज वॉट सोलार वॉटर हीटर सो अभी आपको सबने देखा होगा कि मैरिज हॉल्स में है ना आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन uh, में हर जगह हम लोग क्या यूज करते हैं इवन होम्स इन होम्स ऑल्सो वी आर यूजिंग वॉट सोलार वाटर हीटर सो वॉटर इज हीटेड बाय दिसरेटर्स दिस एपरेटर्स सो इट इज कॉल्ड सोलर वाटर हीटर सो दिस इज अ बॉक्स इज इंसुलेटेड मटेरियल विथ अ लॉन्ग बॉक्स ऑफ देखो ये बॉक्स है दिस इज of इंसुलेटेड इंसुलेटेड मतलब क्या होता है ये outer से आपका क्या होता है? Covering होता है? Plastic है प्लास्टिक uh, मतलब इसके अंदर क्या होती है कॉपर पाइप होती है बाहर से आपका ये प्लास्टिक रबर uh, से क्या होता है कवर होता है ठीक देन वॉटर पासिंग थ्रू द पाइप गेट द अदर एंड इन टैंक यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है कॉपर वायर में तो इसमें पानी गर्म होता है ये टैंक में कलेक्ट होता है आपका हॉट वाटर और अदर एंड में हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं ठीक है देन प्रेजेंटली द न्यू फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी एपरेटर्स इज कॉल्ड सोलर सेल सोलर सेल भी आपने देखा होगा अब तो हम सोलर सेल भी यूज करते हैं इन दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर सेल क्या करता है आपके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डी सेल्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल्स। सो सोलर बैटरीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ सोलर स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच इज यूज टू रन व्हीकल्स एंड मशीन अभी देखो बहुत सारी गाड़ियां भी ऐसे आ जाएंगी जो किस पे रन करेंगे आपके सोलर बैटरी पे ठीक है इवन छोटे छोटे आपके जो कैलकुलेटर होते हैं या आपके जो लाइट्स होती हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं सोलर बैटरीज यूज करते हैं the bio diesel. Bio diesel what, देखो, डीजल क्या होता है आपका फोसिल रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स है ना बायोडीजल जो होता है आपके प्लांट के शीड से मिलता है इस प्लांट को हम बोलते हैं रतन ज्योत देखो ये जो प्लांट है इसको क्या बोलते हैं रतन ज्योत और ये जो प्लांट के शीट होते हैं इससे आपका जो है ऑयल निकलता है दैट इज कॉल्ड बायो डीजल या फिर इसको हम ग्रीन uh, क्या बोलते हैं ग्रीन डीजल या ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ uh, में इसको हम लोग uh, रतन जोत को यूज करते हैं मतलब लैंड ग्रो फॉर रतन जोत एंड छत्तीसगढ़ बायोडीजल अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर दिस पर्पस एंड बहुत पहले छत्तीसगढ़ में बायोडीजल का यूज मतलब स्टार्ट किया था बायोडीजल क्रिएट करना देन विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना द अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन सबसे पहले सबसे मेन सोर्स क्या है एनर्जी का सन अगर सन ही निकलेगा तो हमें कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी है ना तो अवर प्राइमरी अर्थ ऑल द्लान एनर्जी फ्रॉम द सन सो वी नो द्लांट मेक देअर फूड थ्रू द फोटोसिज पता है ना प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस है ना अब प्लांट कैसे फूड प्रिपरेशन करते हैं दे टेक सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स एंड दे एंड क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर फूड सो दैट इज एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सन द बायोडीजल फ्रॉम द रतनजोत इज आल्सो ऑब्टेन बाय द सेम प्रोसेस एंड इन द सेम वे वाटर ऑन अर्थ

clouds बनते हैं तो रेनफॉल होता है रेनफॉल होता है तो वाटर हम कलेक्ट करते हैं डैम्स में और वो वाटर फिर हम किसके लिए यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ठीक है द सोलर एनर्जी the solar energy heat up the land and water on earth to different temperature the solar energy heats up the land solar is sun ki heat se kya hota land garam hota and water on earth to different temperature due to this difference in temperature flowing current are formed in air which flow between the hot and cold region these flow very fast and are called Winds. हम बोलते हैं ना कि ठंडी हवा आ रही गर्मी है लेकिन कहीं ठंडी हवा आ रही आपको ऐसा लगता है तो जो ठंडी हवा होती जो है या उसके ऊपर तो कहीं पे आपका पानी हवा जो होती है विंड जो होती है वो कोल्ड होती है कहीं पे क्या होती है हॉट होती है इन दिस वे सन इज द सोर्स फॉर विंड एनर्जी ऑल्सो पेट्रोलियम एंड कोल्ड are the remain of plants and animals which are a modified form of energy from the sun. so in this way, most of the energies are formed due to the sun. and we can say solar energy is the principal source of energy. so in the newspaper and tv, we find apples to take some precautions as save oil. it's very, uh, every drop is precious. Right? आपको क्या करना चाहिए बिकॉज देखो आपकी जो फ्यूल है फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द एनर्जी एंड इज अवर ड्यूटी टू सेव सेव द फ्यूल एंड हाउ वी कैन इट चेक व्हीकल्स रेगुलरली आपको व्हीकल्स चेक करना चाहिए प्रॉपर है कि नहीं क्योंकि अगर व्हीकल्स में प्रॉब्लम आएगी तो फ्यूल भी ज्यादा लेगा सेव इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हम किससे मिलती है हमको वाटर से विंड से है ना सोलर एनर्जी से तो वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी कवर द यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग इससे क्या होगा आपकी गैस बचेगी यूज प्रेशर कुकर टू सेव द द फ्यूल चेक प्रेशर ऑफ एयर इन टायर अगर आपके टायर्स में आपका एयर प्रेशर सही होगा तो फ्यूल कम लेगा सो वाई डू यू थिंक सच प्रिकॉशन आर नेसेसरी है ना एज आई टोल्ड यू ना कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बचाओगे तो उसका अगर कंजप्शन कम होगा तो प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होगा तो उससे क्या होगा आपका आपके फ्यूल्स सेफ होंगे ठीक है सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड ओके क्वेश्चन आंसर आई विल अटैच विद द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम देयर यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी